हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं देहरादून में रॉबर्ट्स केव। रॉबर्ट्स केव जो है इसको हिंदी में गुच्चू पानी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एंट्री फीस है 33 रुपये, ठीक है, 35 रुपीज़ इसकी एंट्री फीस है। बहुत से लोगों को डाउट था कि ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप अंदर जा सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जो है ये इसका मेन एंट्री गेट है ये, और यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और अंदर जाके आप रॉबर्ट्स केव में या गुच्चू पानी में अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार टिकट लेते हैं और अंदर जाके फिर आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ रॉबर्ट्स केव है कैसा। भैया बच्चों का फ्री है या बच्चों की फीस है? 4 साल के ऊपर का टिकट लगेंगे, उससे नीचे का फ्री है। और क्या टाइमिंग है इसका? टाइमिंग इसका जो है 8 बजे से शाम का 6 बजे तक, सुबह 8 से 6, संडे वगैरह सब दिन खुलता है। ओके, थैंक यू। भैया पहुंच गया गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव। मैंने गलती है क्या कर दी कि मैं चप्पल नहीं लाया, मेरे पास स्लीपर्स नहीं है और मेरे पैर में ज़रा चुभ रहा है ये पत्थर। भैया भाई लोग पूरी मौज ले रहे हैं, देख रहे हो भाई, गुड़गांव से आए पूरी मौज ले रहे हैं। मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ अभी, ये देख रहे हो एकदम गुफा के अंदर एंटर कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, एकदम पतली गुफा है अंदर और ये नीचे बह रहा पानी। अगर कभी आप फिलीपींस गए हैं ना, फिलीपींस में एक जगह है प्रिंसेस प्योरोटा में एक नदी बहती है बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी वहाँ पे आप कायाकिंग भी कर सकते हो। दो केव्स के बीच में ऐसे नदी बह रही है और वहाँ पर और यहाँ पर बस फ़र्क इतना है कि वहाँ का जो पानी है वो एकदम क्रिस्टल ब्लू वाटर है और यहाँ का जो पानी है ये क्रिस्टल क्लियर वाटर है। आप देख सकते होंगे पानी के नीचे भी, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। खैर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं गोप्रो लाया हूँ, मैं इसको पानी के अंदर भी डाल सकता हूँ, पानी के अंदर डाल के आपको दिखाऊँगा। लेकिन पहले आप ये नज़ारा देखो ज़रा। भैया चप्पल पहन के चलना आसान है, नंगे पैर नंगे पाँव ज़्यादा आसान है। धन्यवाद, मतलब आगे का रास्ता थोड़ा और कठिन है। ये देख रहे हो आप, ये गुफा के अंदर हजारों साल पुरानी गुफा है। यार चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक हाथ से कैमरा पकड़ो और सपोर्ट के तौर पे ये केव पकड़नी पड़ रही है। अभी भाई ऐसी ऐसी जगह है ना हिंदुस्तान में, मतलब लोग जो है वो ज़्यादातर फॉरेन ब्यूटी का इस्तेमाल करते हैं कि भाई विदेश में ये है, विदेश में वो है, मानता हूँ विदेश में है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ना हर चीज़ जो आप बाहर ढूंढ रहे होंगे विदेश में हर सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ब्यूटीफुल बीचेस, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट, सब कुछ है भाई हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ। ये जो रॉबर्ट्स केव है, मैं जब अभी मसूरी से आ रहा था नीचे तब मैंने हल्का सा रिसर्च किया और देखा कि रॉबर्ट्स केव जो है रास्ते में पड़ेगी और इतना अमेजिंग है ना, एकदम यूनिक है ये चीज़, एक अलग एक्सपीरियंस के लिए उत्तराखंड में, हमारे इंडिया में ऐसी जगह है ये मुझे आज पता चला और वाकई दिल खुश हो गया इसे देख के। जब भी आप उत्तराखंड में प्लान बना रहे हैं मसूरी का या ऋषिकेश हरिद्वार का, तो मेक श्योर आप इस पर इंक्लूड कर लें अपने आइटनरी में, तो यहाँ ज़रूर आइए। रॉबर्ट्स केव, हिंदी में इसको बोलते हैं गुच्चू पानी।
एंड गाइस ये देखिए मैं कहाँ पहुँचा हूँ ये केव में, मतलब साइड से भी मैं आपको दिखाऊँ अगर, एक सेकेंड वो देखिए साइड से भी पानी आ रहा है, ऊपर से वाटरफॉल के फॉर्म में भी आ रहा है, ऊपर से झरना बह रहा है, नीचे से नदी बह रही है, और ये देखिए यहाँ पे ये पूरी केव पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है इधर, कोशिश करूँगा आगे जाने की लेकिन संभाल के चलना पड़ रहा है, पैर ना फिसल जाए इधर। ये आप देख रहे हो मज़ा आ गया भाई, यहाँ तो एकदम ब्लू और ग्रीन वाटर है, ये तो पूरा पूरा मुझे फिलीपींस की याद दिला रहा है। तो गाइस ये था पूरा रॉबर्ट्स केव और गुच्चू पानी। अभी मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया अंदर कितनी नैरो गुफा है अंदर। अब इसका नाम रॉबर्ट्स केव क्यों होता है ये मुझे नहीं पता, ये अगर मुझे पता चलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा अंदर जाके लास्ट में बिल्कुल डेड एंड पे एक वाटरफॉल भी था जो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी लोग मस्ती वस्ती कर रहे हैं यहाँ पे बढ़िया। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब ऐसी जगहों पे आ रहे हैं तो ज़्यादा गंदगी ना करें, प्लास्टिक की बॉटल्स ना फेंकें अपने साथ, जो पानी की बोतलें या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लेके आए उसको अपने साथ ही वापस लेके जाएँ। चलिए निकल के आ गया मैं बाहर, आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए तो यहाँ ज़रूर आइए, और काफ़ी फेमस है ये देहरादून में। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश आ रहे हैं तो वहाँ से आपको एक डेढ़ घंटा लगेगा, और अगर आप मसूरी से आ रहे हैं तो आपको 30 से 40 मिनट लगेगा। तो ये था पूरा मेरा वीडियो रॉबर्ट्स केव का, गुच्चू पानी का। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मैंने इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना।